वहीं धनबाद के बलियापुर प्रखंड में शिविर लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच नहीं रहे, जिसके चलते आंगनबाड़ी सेविका पोषण सखी एएनएम सहायिका घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए अब लोगों से अपील कर रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार राजधानी रांची दवा दुकानों के साथ ग्रामीण इलाकों में जांच कर रही है, ताकि दवा दुकानों की मनमानी पर नकेल कसी जा सके। इसी कड़ी में राजधानी रांची से सटे ग्रामीण क्षेत्र पिरुटोला स्थित आयुष फार्माक्यूटिकल में ड्रग इंस्पेक्टर प्रतिभा झा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जांच की गई। इस दरमियान पिठौरिया थाना के एसआई प्रभा कुमारी और पिठौरिया सशस्त्र मौजूद रहे। विभाग के द्वारा दवा दुकान के जांच के क्रम में कोरोना महामारी में दिए जाने वाले जीवन रक्षक दवाओं की गहन जांच की गई। जहाँ जहाँ जिस तरह का रिपोर्टिंग हो रहा है रेगुलर हम लोग का डायरेक्टरेट से जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे मिल रहा है हम लोग कर ही रहे हैं, और अपने अपने स्तर पे भी जहाँ पे जिस तरह से काम चल रहा है। वही रांची नगर निगम में हुए अवैध निर्माण को लेकर रांची नगर निगम आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि कोविड की वजह से अवैध निर्माण पर कानूनी प्रक्रिया को लेकर देर हुई है। उन्होंने कहा कि अविलंब रांची नगर निगम में जहां भी अवैध निर्माण हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अवैध निर्माण को जल्द हटाने की भी अपील की है। यही गुजारिश होगी कि अगर आप अवैध निर्माण में संलिप्त हैं या अवैध निर्माण कर रखा है टाइप का, कृपया करके आप उसको हटाएं, और अगर किसी भी भवन में, दुकान में, संस्थान में अगर आपके वैध होने की विहित प्रक्रिया के तहत परमिसिबल लिमिट जिसको कहते हैं कुछ सर्टेन लिमिट तक जो है उसको रेगुलाइज कराने का ऑप्शन होता है, अगर ऐसा कुछ है तो कृपया करके आप तत्काल वैसे आवेदन को जो है कार्यालय में जमा